नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सपना मध्देश। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में महिला की तहरीर पर पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार किया। महिला का आरोप है उसकी नाबालिग बेटी के साथ उसके पति यानी उसके पिता ने बेटी के साथ किया दुष्कर्म, बेटी के साथ रेप करने का लगाया आरोप। बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले इस पिता को पुलिस ने, इस पापी और कलयुगी पिता को पुलिस ने पकड़कर जेल भेजा। दरअसल आपको बता दें कि एक कलयुगी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाने का पूरा मामला नखासा थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां की महिला ने अपने पति पर अपनी 13 साल की बेटी को हवस का शिकार बनाने का आरोप लगाया। आरोप है कि शराब के नशे में मोहम्मद वसीम नाम के शख्स ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप किया। वहीं महिला ने अपने सास और ससुर पर भी दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर मारने पीटने का भी आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस ने रेपिस्ट पति मोहम्मद वसीम को गिरफ्तार कर लिया, पर पुलिस अधीक्षक श्री चंद्र ने बताया कि बेटी के साथ रेप करने वाले आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। देखिए जाबिर गाजी की रिपोर्ट। मुझे गिरफ्तार बीवी ने मेरे ऊपर केस लगाया। क्या है? तुमने लड़की का बलात्कार किया है? लड़की का बलात्कार किया आदत से की आदत में। लड़की कौन थी? मेरी लड़की थी अपनी। हमारी बेटी थी? हाँ। शराब पीते हो आप? हाँ, कभी कभी पी लेता था, कभी कभी पी लूँ। ये अभी 4-5 महीने पहले की बात है। केस किया हमने 3-4 दिन पहले। इससे पहले भी पकड़ा था ना? तो अभी पकड़ा 3-4 दिन पहले।